good morning children how are you all so today in english subject you will take out my english reader and you will take out page number 59 and this is lesson 18 so name of the chapter is c l e v e r clever clever means chatur chalak c h i c k चिक और आगे एस लग गया तो चिक्स चिक्स मीन बहुत सारे एक से ज्यादा चिक्स चिक्स होते हैं मुर्गी के बच्चे ओके सो अउन बी आर ओ डब्ल्यू एन ब्राउन हैन एंड अ वाइट डब्ल्यू एच आई टी ई वाइट डाक आर एफ आर आई ई एन डी एस फ्रेंड्स एंड द वर्ड्स विच आई एम अंडरलाइनिंग यू हैव टू लर्न एंड राइट दिस डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन योर नोटबुक ओके चिल्ड्रेन फ्रेंड्स क्या होते हैं दोस्त एक ब्राउन और एक एक ब्राउन हैन एक ब्राउन मुर्गी और एक वाइट डक जो थे आपस में फ्रेंड्स थे जिनी अब ये रोल प्ले कर रहे हैं जिनी बोल रही है जे आई डबल एन वाई जे आई एन जिन एन लग गया दोबारा से जिन नी वाई लग के जिनी बन गया जिनी हेलो आई एम अन जिनी क्या बोल रही है हेलो मैं एक हेन हूँ सो द नेम ऑफ ब्राउन हैंन इज़ जिनी डिमी डी आई डबल एम वाई डिमी हेलो आई एम अ डक डिमी बोल रही है हेलो मैं एक डक हूँ सो वाइट डक इज़ डिमी दे आर सिक्स डकलिंग्स आई एम द मदर और ये सिक्स डकलिंग्स हैं डक के बेबीज़ हैं एंड मैं उसकी मम्मी हूँ सो डिमी हैज़ सिक्स

गो टू द मार्केट वो कहती है जिन्हें चलो हम मार्केट चलते हैं चिक्स जो चिक्स क्या बोलते हैं वी वॉन्ट पॉपकॉर्नस पी ओ पी पॉप सी ओ आर एन कॉर्न एस पॉपकॉर्न्स तो चिक्स बोलते हैं हमें पॉपकॉर्न चाहिए डकलिंग्स क्या बोलती हैं वी वॉन्ट बेलून्स डकलिंग्स बोल रहे हैं हमें बैलून चाहिए डिमी डिमी क्या बोलती है यू सिट इन द हाउस आप घर में बैठो जिन्नी यू आर गुड चिल्ड्रन और जिन्नी क्या बोलती है आप तो सब अच्छे बच्चे हैं चिल्ड्रन आर सी एच आई एल डी चिल ड्रेन डी आर ई एन ड्रिल्ड्रेन चिल्ड्रन मीन्स बच्चे नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज दे गो टू द मार्केट एम ए आर के ई टी मार्केट अ क्लेवर कैट लुक्स एट द चिक्स एंड द डकलिंग्स वो मार्केट जाते हैं है ना और क्या होता है ये देखो ये जा रहे हैं ना मार्केट <coughs> और ये जो क्लेवर कैट है जो बहुत चलाक जो बिल्ली है वो चिक्स को और डकलिंग्स को क्या करती है देखती है देख रही है ना देखो ये वो उसकी उनकी दोनों की मम्मीज़ जो हैं वो मार्केट चले गए और वो कैट इनको देख रही है चिक्स को भी और डकलिंग्स को भी कैट क्या बोलती है आह दे आर नाइस दे आर सॉफ्ट आई वॉन्ट टू ईट दम और जो कैट है वो ये सोचती है कि देखो कितने अच्छे हैं ये और कितने सॉफ्ट सॉफ्ट हैं और मैं तो इनको खाना चाहती हूँ ठीक है नाव के एन ओ सी के इसको इसमें बेटा के साइलेंट होता है इसको बोलते हैं नॉक नॉक मीन्स खटखटाना नॉक नॉक वो खटखटाती है द चिक्स एंड द डकलिंग्स सी फ्राम द विंडो वो देखो ये ये जो कैट है ये खटखट करती है खटखट आती है उनका दरवाजा और जो चिक्स और डकलिंग्स हैं उसको विंडो में से देख लेते हैं चिक्स एंड डकलिंग्स सी द कैट जैसे उन्होंने कैट को देखा उन्होंने बोला मतलब छुपो जाओ येस इट इज अ गुड ट्रिक ये बहुत अच्छी ट्रिक है है ना और देखो वो ट्रिक में क्या करते हैं पेज नंबर सिक्सटी वन दे ओपन द डोर ओ पी ई एन ओपन ओपन मीन्स खोलते हैं वो डोर खोलते हैं ऑल कम विद मास्क है ना और जो सब हैं वो क्या पहन के आ जाते हैं मुखौटे जो मुँह के ऊपर लगा लेते हैं ना उसमें आईज का पोर्शन खाली होता है और वहाँ पे अपने आईज में आप उसको क्या कर सकते हो एडजस्ट कर सकते हैं और पीछे वो बैंड लग जाता है और उससे आप क्या कर सकते हैं वो आपके फेस के ऊपर स्टक हो जाता है चिपक जाता है है ना ऑल कम विद मास्क आप देख रहे हो सब ने मास्क पहन लिए और वो उसको डराते हैं ख कोई बोलता है बो बह कोई बोलता है ऐसे हा, हा, करता है और कैट जो है करती ओ और कैट जो है दे, देखो कितना डर गई है ये है ना सो नेक्स्ट इज जिनी एंड डिमी कम बैक जिनी और डिमी वापस आते हैं दे ऑल डांस डी ए एन सी ई डांस इन द गार्डन और वो सब गार्डन में क्या करते हैं डांस करते हैं क्यों डांस करते हैं क्योंकि वो बहुत खुश हो रहे हो रहे होते हैं क्यों खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने जो कैट उनको खाने के लिए आ रही थी उसको तो उन्होंने क्या करा डरा दिया और कैसे डराया वो मास्क पहन कर डरा दिया है ना तो दे गेट द बेलून्स एंड पॉपकॉर्नस और उनकी मम्मी उनके लिए क्या ले आई थी पॉपकॉर्न भी लेके आई थी और बैलून्स भी लेके आए पॉपकॉर्न आपको पता है ना क्या होता है बेटा पॉपकॉर्न तो होते हैं क्या होते हैं जो आप खाते हैं मक्की के बनते हैं वो है ना कॉर्न के बनते हैं दे गेट द बेलून्स एंड पॉपकॉर्न और उनको बैलून और पॉपकॉर्न मिल जाते हैं और डकलिंग्स क्या बोलते हैं यू आर सो नाइस मम्मा वो डकलिंग्स कहते हैं मम्मा आप कितने अच्छे हो और चिक्स क्या बोलते हैं थैंक यू थैंक यू मम्मा और चिक्स अपनी मम्मी को बोलते हैं थैंक यू मम्मा थैंक यू ममा और जिनी एंड डिमी क्या बोलते हैं उनको वी लव यू जैसे आपकी मम्मी भी आपको बोलती हैं बोलती होंगी ना कि हम आपको बहुत पार प्यार करते हैं क्यों प्यार करते हैं बिकॉज़ यू आर ब्रेव क्योंकि तुम कैसे हो बहादुर हो B R A V E Brave. Brave means Bahadur. Brave kya hota hai? Bahadur. So this is the story. Uh, and it is lesson number 18. So the words which I have underlined here, you will write all these difficult words in your notebook, and you will read the lesson from page number 59 till page number 61 so you will read this lesson clever chicks and write the difficult words in your notebook so thank you so much beta